मियाँ बीवी की मोहब्बत सबसे, अल्लाह ने सबसे ज्यादा कसमें कुरान में मियाँ बीवी की मोहब्बत की खाई है, ना के माँ बाप की, ना के रिश्तेदारों की, ना के किसी और की, बट मियाँ बीवी की मोहब्बत की कसम खाई है कुरान में। तो आप सोचे कि मियाँ बीवी की मोहब्बत कैसी है। कहते हैं ना कि कयामत के बाद भी जन्नत में मियाँ बीवी का साथ है। बेशक माँ बाप को आप देखोगे हाय हेलो करके आप अपना निकल लोगे, लेकिन आप अपने शौहर और शौहर अपनी बीवी के साथ ही रहने वाला है। तो ये एक ऐसा रिश्ता है जो कयामत, मतलब वो चलता ही रहना है। जो जन्नत चले गया तो नेवर एंडिंग जिंदगी है ना, वो तो फॉर एवर है, वो तो चलती ही रहनी है। तो हम कोशिश करें कि वो जिंदगी हम अपनी बेहतर। बल्कि आप जानते हैं कि जब मियाँ बीवी के बीच में लड़ाई होती है और वो दोनों एक दूसरे से रूठ जाते हैं, लेकिन उसके बाद वो फौरन सुलह करते हैं और एक दूसरे से गले मिल लेते हैं, आपको पता है अल्लाह पाक क्या करते हैं? सबसे पहले अल्लाह पाक बहुत खुश होते हैं और उस सुलह को ठीक करने का जो बदला है वो ऐसे देते हैं कि मियाँ बीवी के पिछले जो कुछ भी गुनाह है अल्लाह उसे माफ़ कर देता है। कितनी खूबसूरत बात है ना, मियाँ बीवी का जो, मियाँ बीवी की जो मोहब्बत है ना वो है ही ऐसी। अल्लाह ने कुरान में भी कसम जो खाई है, जिस मोहब्बत की खाई है, दुनियावी मोहब्बत की, वो मियाँ बीवी की खाई है। जन्नत में किसे साथ रखा है अल्लाह ने? मियाँ बीवी के रिश्ते को साथ रखा है। तो मियाँ बीवी एक बहुत बहुत अहम रिश्ता है। बस हम कोशिश करें कि इसकी अहमियत जाने, एक दूसरे के साथ चले, गलतियाँ होती हैं उसे माफ़ करें, सुलह करें, एक दूसरे के दिल में अपनी मोहब्बत डाले, अपनी अजमत डाले और खुशी से रहे। अस्सलाम वालेकुम।